कि औरतों को इस तरह से इनक्रेज किया जाए, वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह से आगे बढ़े, उनके साथ जो आप लोगों के लिए कितना प्रिविलेज मोमेंट है ये, क्योंकि लाडली लाडली बहुत 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 हाईली प्रिविलेज फील कर रहे हैं, बहुत ऑनर्ड फील कर रहे हैं यहाँ आकर. इतना आई थिंक मुझे एज थपकी भी इतना ऑनर्ड फील नहीं होता जितना यहाँ आके हो रहा है, बिकॉज इट्स फॉर अ सोशल कॉज ऑफ कोर्स. और जो लाडली एक इनिशिएटिव है, पॉपुलेशन फर्स्ट जो एनजीओ है उनका, इतना प्यारा इनिशिएटिव है लड़कियों के लिए, लाडलियों के लिए. सो बहुत ही उम्दा है ये. और जिस तरह से देखा जा रहा है आजकल सेक्स डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं, फिलहाल कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द सोशल अवेयरनेस ऑफ कोर्स, बट अभी भी हैं. सो ये उसको और डिस्क्राइब करता है और बताता है कि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, इंडिया में ही नहीं कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें भी जीने का उतना ही हक है जितना लड़कों को है. एंड आई फील सर ने अभी अभी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लड़कियां ही लड़कों को बनाती हैं, फीमेल्स आर द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स, और कहते हैं कि हर लड़के के पीछे एक लड़की का हाथ होता है. सो या दैट्स ट्रू, होता है, बिल्कुल होता है. सो आई फील दोनों को कंपेयर नहीं करके अगर इक्वल रखें तो वो लड़की के लिए भी उतनी ही अच्छी बात है जितना लड़के के लिए. ये लाडली जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. कई बार ये होता है कि हमारी जो सोच है वो ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब लोग कलर्स ही देखें, लोग दूसरे चैनल्स भी देखते हैं. तो हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो सोच है कि औरतों को इस तरह से इनक्रेज किया जाए, वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह से आगे बढ़े, उनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस है या सेक्शुअल अस�ल्ट है, कुछ भी है, वो उससे किस तरह से लड़े, हम अपने शो में दिखाते हैं. तो कई बार होता है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं. ये लाडली जो प्रोजेक्ट है ये एक वैसे ही प्रोजेक्ट है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए. और आप हमारे मीडिया वाले, आप उन तक ये बात पहुंचा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग दोपहर को घर में बैठकर ज़रूर देखते हैं, यार शाम को घर आने के बाद न्यूज़ तो ज़रूर ही देखते हैं. तो इनडायरेक्टली उन तक हमारी बात पहुंच जाती है, भले वो हमारी सीरियल देखे ना देखे. और हम यही कहना चाहेंगे कि हमें अपने नज़रिया बदलना चाहिए, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए. लड़कियां उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने लड़के हैं, लड़के इम्पॉर्टेंट है बट लड़कियां भी उतनी इम्पॉर्टेंट है. वो उतना ही हुनर रखती हैं, वो उतना ही करके दिखा, वो अपना टैलेंट दिखा सकती हैं. तो लेट्स एनकरेज वुमेन थ्रू लाडली.